Now we are doing NTSC NMS reasoning part 12 based on analogy same relationship. क्लियर ना, ये क्या है हमारा analogous pair completion है. इसके अंदर क्या होता है, हमें एक pair हमारा दिया गया होता है, उसी के हिसाब से हमें दूसरा pair तैयार करना होता है और ये क्या होती है हमारी same relationship type का. क्लियर ना, इसको बोलते हैं analogous pair completion, यानी pair को complete करना. चलिए start करते हैं हमारी reasoning part 12. क्वेश्चन फर्स्ट क्या भाई, किंग किंग थ्रोन एंड जज विद रिस्पेक्ट टू किसके क्या होगा भाई. चेक कीजिए, आंसर देते वक्त आप वीडियो को पॉज कर सकते हो. चलिए मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या होगा. किंग क्या होता है, किंग जो राजा होता है, किंग इज रिलेटेड टू जज. किससे रिलेट करता है, जज से रिलेट करता है, क्योंकि किंग का काम क्या होता है, एक जज का काम होता है. किंग का काम क्या होता है, जज की तरह काम होता है, ये क्या करता है, निर्णय देने का काम करता है. तो किंग इज रिलेटेड टू जज इन द सेम वे. थ्रोन क्या होता है, आपको पता नहीं तो बता देता हूँ, थ्रोन एक ऐसी चेयर होती है जिस पे कोई किंग और क्वीन बैठता है ना, उसको बोलते हैं थ्रोन. तो थ्रोन क्या होती है, एक ऐसी चेयर. तो यहाँ ऑप्शन में लायर है, बेंच है, कोर्ट है, ट्रायल है, चेयर तो नहीं है लेकिन क्या है, बेंच है. तो थ्रोन किससे रिलेट करेगा भाई, बेंच से. तो थ्रोन किससे रिलेट करेगा, बेंच से, बिकॉज थ्रोन क्या होती है, एक चेयर होती है जिसके ऊपर कोई राजा और रानी बैठते हैं. क्लियर, तो किंग रिलेट करता है किसे, एज किंग इज रिलेटेड टू जज इन द सेम वे थ्रोन इज रिलेटेड टू बेंच. तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी. नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, लायन रोर है, यानी लायन क्या करता है, रोर. रोर क्या होती है, साउंड है. रोर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द लायन. तो एस के द्वारा जो गधे होते हैं वो कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बार्क, ट्रम्पेट, हाउल, ब्रे. कौन सी होती है, वो ब्रे होती है. क्लियर ना, रोर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लायन. सिमिलरली ब्रे इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एस. क्लियर, तो लाइन रोड से, तो ऐसे से रिलेट करेगा, ब्रे से. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन क्या होगा भाई, डी. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन आपके सामने ये रहे. चलिए मैं बताता हूं आपको सब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. लैम्प फ्रिस्क के रिलेट कर रहा है, लैम्प किससे रिलेट कर रहा है भाई, फ्रिस्क से. क्लियर ना, और माउस किससे रिलेट करेगा, चलिए चेक करते हैं भाई. हमारा जो लैम्प होता है ना, उसकी जो मूवमेंट होती है, उसको मूवमेंट को बोलते हैं फ्रिस्क. फ्रिस्क इज द नेम गिवन टू द मूवमेंट ऑफ लैम्प, यानी जो लैम्प की जो मूवमेंट होती है ना, उसका नाम क्या होता है, फ्रिस्क. यानी फ्रिस्क डिनोट्स या रिप्रेजेंट द मूवमेंट्स मूवमेंट्स ऑफ लैम्प, यानी फ्रिस्क इज द नेम गिवन टू द मूवमेंट ऑफ लैम्प. सिमिलरली स्कैम्पर इज द नेम गिवन टू द मूवमेंट ऑफ माउस. तो क्या हो जाएगा ये हमारा, स्कैम्पर, स्कैम्पर है ऑप्शन नंबर बी. तो माउस की मूवमेंट का नाम क्या होता है, स्कैम्पर. जैसे लैम्प की मूवमेंट का नाम क्या है, नेम ऑफ द मूवमेंट ऑफ लैम्प क्या है भाई, फ्रिस्क. उसी प्रकार माउस की मूवमेंट को क्या बोलते हैं, स्कैम्पर बोलते हैं. तो थर्ड का बी ऑप्शन. Now we will move on the next question, question number fourth. ध्यान दीजिए, सर्कल आर्क तो स्क्वेयर किससे रिलेट करेगा, हमें पता है जो आर्क होता है ना, वो आर्क क्या है, आर्क इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल. क्लियर ना, या सर्कल इज मेड अप बाई आर्क. तो स्क्वेयर किससे बनता है, सिंपल सी बात है, स्क्वेयर इज मेड अप बाई लाइन्स. क्लियर ना, या लाइन इज अ पार्ट ऑफ स्क्वेयर, कैसे भी आप रिलेशन मानते हो. तो फोर्थ ऑप्शन क्या आएगा भाई हमारा, ए. क्योंकि सर्कल का पार्ट क्या होती है, आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कल. तो स्क्वेयर का पार्ट ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्पीयर, लाइन. तो क्या होती है, स्क्वेयर का पार्ट लाइन होती है. तो फोर्थ का ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ध्यान दे, ब्रिंजल वेजिटेबल ऑरेंज. हमें पता है जो ब्रिंजल होता है वो क्या होती है, एक वेजिटेबल होती है. क्लियर ना, ब्रिंजल क्या होते हैं, बैंगन.
वो क्या होते हैं, वेजिटेबल होते हैं। सिमिलरली ऑरेंज संतरा क्या होते हैं भाई, फ्रूट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ का क्या होगा भाई हमारा, ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ध्यान दे, कॉन्टामिनेशन फूड इन्फेक्शन से क्या, ध्यान दे सिक्स के अंदर क्या है भाई हमारा, फूड गेट्स अफेक्टेड बाई, फूड जो इफेक्टेड होते हैं किससे होते भाई, कॉन्टामिनेशन से, फूड्स गेट इफेक्टेड बाई कॉन्टामिनेशन। सिमिलरली इन्फेक्शन से क्या होती है भाई हमारी, डिजीज। तो सिक्स का ऑप्शन नंबर भाई हमारा, सॉरी डिजीज नहीं, यानी फूड इफेक्ट किससे होते हैं, कॉन्टामिनेशन से। तो किससे क्या इफेक्ट होती है, बॉडी गेट, मतलब बॉडी गेट्स द डिजीज बाय द इन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सिक्स आएगा। ध्यान दीजिए, रिलेशन प्रॉपरली चेक करनी है हमें। तो हमारा जो सिक्स था उसके अंदर क्या है, फूड गेट्स इफेक्टेड बाय कॉन्टामिनेशन इन द सेम वे बॉडी गेट्स इफेक्टेड बाय इन्फेक्शन। जैसे फूड जो इफेक्ट होते हैं किससे होते हैं भाई, कॉन्टामिनेशन से। तो बॉडी किससे हमारी जो इफेक्टेड होती है किससे होती है, इन्फेक्शन से। तो ऑप्शन क्या आएगा, सी बॉडी नॉट द डिजीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवंथ, क्या है इसके अंदर भाई, प्लेजर सोरो राइट का क्या होगा, हमें पता है भाई इसके अंदर क्या है, प्लेजर और जो सोरो है एक दूसरे क्या है, अपोजिट वर्ड्स है। प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी, सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। तो बोथ ऑफ आर द अपोजिट मीनिंग, ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सेवंथ का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट और आयरन। आपको बताऊं दूं मैं, एल्यूमिनियम है ना, किससे ऑब्टेन किया जाता है, बॉक्साइट से, यानी एल्यूमिनियम की ओर है बॉक्साइट, क्लियर ना, एल्यूमिनियम की ओर है, ओर बॉक्साइट है, क्लियर ना। तो आयरन की ओर क्या होती है, पायराइट्स, मैग्नेसाइट, पायरनोलाजाइट और हेमेटाइट, किससे जाता था भाई, हेमेटाइट से, क्लियर ना। तो एट्थ का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, आयरन इज ऑब्टेंड बाई हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, आयरन ओर है भाई, क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा, ध्यान दीजिए नाइन्थ में क्या है, ट्रूथफुलनेस लायर, यानी इसमें क्या है, जो हमें पता है ट्रूथफुलनेस क्या होती है, सच्चाई। लायर क्या होता है, झूठा इंसान, यानी आप झूठे इंसान से सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते, यानी लायर माने क्या होता है, झूठ। ट्रूथफुलनेस क्या होती है, सच्चाई, यानी एक झूठे बंदे से आप, जो लायर होता है, एक झूठा पर्सन होता है, उससे आप सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। सिमिलरली लॉयल्टी क्या होती है, यानी एक प्रकार की ईमानदारी, लॉयल्टी क्या होती है, ईमानदारी होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा भाई हमारा, ट्रेटर, यानी धोखेबाज आदमी। तो ट्रेटर से आप लॉयल्टी की उम्मीद नहीं कर सकते, जिस प्रकार लायर्स, एक लायर पर्सन से आप ट्रूथफुलनेस की उम्मीद नहीं कर सकते, सिमिलरली ट्रेटर पर्सन से आप लॉयल्टी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्लियर ना, एक धोखेबाज इंसान से। ओके, तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर टेंथ, ध्यान दे भाई, हाउस की रिलेशन किससे है, डोर से है, यानी अगर हमें हाउस के अंदर एंट्री करनी हो, किसी थ्रू करते हैं एंट्री, डोर के थ्रू। सिमिलरली कंपाउंड के अंदर एंट्री कहाँ से करते हैं, फेंस, वॉल, फाउंडेशन, कहाँ से एंट्री करते हैं, गेट के अंदर से। तो गेट क्या होता है, एंट्री प्लेस होता है। सिमिलरली जैसे डोर का, डोर क्या होता है, हाउस का एंट्री प्लेस होता है, यानी डोर के द्वारा ही हम हाउस के अंदर एंट्री करते हैं। सिमिलरली कंपाउंड के अंदर एंट्री करनी हो तो कहाँ से करेंगे, गेट के अंदर से। तो टेंथ का ऑप्शन क्या जाएगा, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ,
ध्यान दे, ऑप्शन क्या दे रखा है? हांगकांग चाइना। हमें पता है हांगकांग इज प्लेस इन चाइना। हांगकांग कहाँ पे है? चाइना के अंदर है। सिमिलरली वेटिकन, वेटिकन कहाँ पे है भाई इसके अंदर? वेटिकन इज प्लेस्ड इन टू द रोम। क्लियर ना? जैसे हांगकांग इज सिचुएटेड इन चाइना, हांगकांग कहाँ पे है? चाइना के अंदर। सिमिलर वेटिकन इज सिचुएटेड इन रोम। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दे, यहाँ पे क्या है? जियांट डार्फ, यानी जियांट क्या होता है? एक बड़ा इंसान, आदि मानव, मतलब बहुत बड़ा। और डार्फ मान क्या होता है? बोना। यानी जियांट और डार्फ क्या एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। क्लियर ना? उल्टे हैं। तो जीनियस का एंटोनियम क्या हो जाएगा भाई? वीक, जेंटल, टीनी, इडियट। क्या होगा? इडियट। तो ट्वेल्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ट्वेल्थ का ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दे, इसमें क्या है? आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे। ये क्या बताया कि पुराने टाइम के, पुराने समय में आर्यभट्ट क्या थे? बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। सिमिलरली वारामीरा क्या थे हमारे? वारामीरा क्या थे? बहुत बड़े फिजिशियन थे। क्या थे भाई? बहुत बड़े फिजिशियन थे। जिस प्रकार आर्यभट्ट क्या थे? मैथमेटिशियन थे, फेमस ऑफ द एंशियंट पीरियड, यानी पुराने समय के। इन द सेम वे, उसी प्रकार से वारामीरा वाज ए फेमस फिजिशियन ऑफ एंशियंट पीरियड। क्लियर ना? फिजिशियन थे वो भी हमारे। क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दे, ये क्या भाई? पिट, लिग्नाइट, फिर क्या है? बिटुमिनस। ये जो तीनों की तीनों है ना, किसकी फॉर्म होती है? दीज आर द फॉर्म्स ऑफ, किसकी है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल। कोयले की अलग अलग फॉर्म है कोल की। क्लियर ना? तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोल। कोयले की अलग अलग फॉर्म है भाई हमारी ये। तो पीट भी होता है, लिग्नाइट भी होता है, बिटुमिनस भी होता है। यहाँ पे क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो पत्थर होता है। बेसाल्ट, कोक, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ कोल। तो ये भी क्या है? 14 का सी। ऑल ऑफ दीज आर द फॉर्म ऑफ कोल, यानी कोयले की पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दे, कोगर साउथ अफ्रीका से रिलेट करता है। कोगर क्या होता है? ए टाइप ऑफ लाइन, एक प्रकार का शेर होता है। ए टाइप ऑफ लाइन, एक प्रकार का क्या होता है भाई? शेर होता है। जो कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। सिमिलरली ओकापी इज फाउंड इन टू द सेंट्रल अफ्रीका। कहाँ पाया जाता है भाई? सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। क्लियर? तो फिफ्टीन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। क्या है भाई? लव फ्रेंड, यानी फ्रेंड से हमें क्या प्राप्त होता है? लव ऑब्टेंड होता है। यानी लव कहाँ से ऑब्टेंड होता है भाई? फ्रेंड से, मित्र से। सिमिलरली हेट, घृणा कहाँ से मिलती है? हेटर्ड, ब्रदर, कंपेनियन, एनिमी, यानी एनिमी से। एनिमी क्या होता है हमारा? दुश्मन। क्लियर ना? तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना? बिकॉज इस केस में क्या है? फॉर्मर इज रिसीव्ड फ्रॉम द लेटर। क्लियर? यानी ये जो चीज़ है ना, हमें दूसरे वाले से मिलती है। लव किससे मिलता है? फ्रेंड से। एट किससे मिलता है भाई? एनिमी से, जो दुश्मन होता है हमारा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 नाउ। चेक कीजिए ऑप्शन। ध्यान दे, इसमें क्या है? सिप मटन, यानी जो भेड़ का जो मीट होता है उसको क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। तो द मीट ऑफ सिप इज नोन एज मटन। सिमिलरली जो डियर होता है, हिरण, उसके मीट को क्या बोलते हैं? वेनिसन। क्या बोलते हैं भाई? वेनिसन। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जैसे क्या होता है? मटन इज द मीट ऑफ सिप। मटन क्या है? मीट है सिप का। सिमिलरली उसी प्रकार से जो हमारा ये होता है, वेनिसन इज द मीट ऑफ डियर। वेनिसन इज द मीट ऑफ डियर।
क्वेश्चन नंबर 18, आसान क्वेश्चन ध्यान दीजिए। टी लीव्स से हमें पता है चाय कहां से प्राप्त होती है, में पत्तों से होती है। टी इज ऑब्टेंड फ्रॉम लीव्स। सिमिलरली कॉफी इज ऑब्टेंड फ्रॉम सीड्स। कॉफी कहां से प्राप्त होती है, सीड्स से, बीजों से। क्लियर ना, टी कहां से ऑब्टेंड होती है, लीव्स से, और कॉफी इज ऑब्टेंड फ्रॉम सीड्स। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दे। डीप सैलो, डीप माने क्या होता है, गहरा, सैलो माने मतलब कम गहरा, ऊपर वाला। तो डीप और सैलो क्या होते हैं, एक दूसरे क्या है, अपोजिट मीनिंग है। डीप एंड सैलो क्या है, अपोजिट मीनिंग ऑफ ईच अदर। सिमिलरली शार्प, शार्प माने पैना, तो शार्प का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, नाइफ, ब्लेड, ओशियन, ब्लंट, क्या हो जाएगा, ब्लंट। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी, शार्प इज अपोजिट ऑफ ब्लंट। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी। नाउ वी विल मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या भाई 20 के अंदर, हॉर्स अस्तबल, यानी हमें पता है जो हॉर्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं भाई, अस्तबल के अंदर। सिमिलरली मैन कहाँ पे रहते हैं, वुमन, डैन, क्लोथ्स, हाउस, कहाँ पे रहते हैं भाई, हाउस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो के अंदर कुछ नए रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।